Hi friends, how are you? I hope that you all have been taking a very, very good care about your health as well as your studies. This is the time of summer vacation in which we all are enjoying with your family. But I would like to tell you that always keep in touch with your studies. हमेशा अपने studies के touch में रहें. And आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि लोग English बोलने में पीछे क्यों रहते हैं. मुझे लगता है एक तो वो स्टूडेंट्स होते हैं जो इंग्लिश के क्लासेस में कभी इंटरेस्ट नहीं लेते, शायद उनका इंटरेस्ट किसी और सब्जेक्ट में होता होगा. इस वजह से वे इंग्लिश की जो ग्रामेटिक ट्रिक्स हैं, स्किल्स हैं, इनमें महारत हासिल नहीं कर पाते. दूसरे वो लोग जो इंग्लिश में इंटरेस्ट लेते हैं और ग्रामेटिकली बहुत अच्छे हो जाते हैं, लेकिन जब स्पीकिंग की बात आती है या स्पोकन इंग्लिश में जब वो हाथ रखते हैं तो जो ग्रामर में कमजोर होते हैं वो बिल्कुल एफर्ट्स नहीं करते कि अब हमें तो कुछ आता नहीं तो हम कैसे इंग्लिश बोलें. दूसरी ओर जो ग्रामर में अच्छे होते हैं वो फिर ये कहते हैं कि हम समझ तो रहे हैं लेकिन हम बोल नहीं पा रहे. अब यहां पर क्वेश्चन ये है कि अगर ग्रामर सीखने से ही कोई इंग्लिश बोल लेता तो जिनकी ग्रामर अच्छी है उन सबको इंग्लिश बोलना आना चाहिए, और वो लोग जिनकी ग्रामर अच्छी नहीं है वो शायद कभी इंग्लिश ना बोल पाए. जब हम हिंदी बोल रहे होते हैं, क्योंकि हम सब हिंदुस्तान के वासी हैं जहां हिंदी बोली जाती है, तो हम में से कितने लोगों ने हिंदी की ग्रामर सीखी. सो द पॉइंट इज दैट अबाउट स्पीकिंग देयर इज नो नीड to know about grammatic skills or tricks. किसी भी भाषा को बोलने के लिए उसकी ग्रामर जानना जरूरी है. तो यहां पर हम इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट नहीं सीख रहे हैं, इंग्लिश एज ए लैंग्वेज सीख रहे हैं. एक और एग्जाम्पल भी देना चाहूंगा. आपने देखा होगा जो बड़े बड़े सिंगर्स हैं, गायक हैं, परफॉर्मर्स हैं, वो लोग जो क्लासिकल म्यूजिक में ट्रेंड होते हैं, ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम होती है. बजाय वो लोग जो सीधे परफॉर्म करते हैं, बहुत कम उम्र से स्टेज को हैंडल करते हैं और स्टेज पर जाने का उनका जो एक कॉन्फिडेंस होता है वो लगातार बढ़ जाता है. तो अल्टीमेटली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज अबाउट कॉन्फिडेंस विच कम्स फ्रॉम प्रैक्टिस. आज का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आप नोट कर लें, इट इज ऑनली कॉन्फिडेंस विच मेक्स यू परफेक्ट अबाउट एनीथिंग. Whatever you want to do. Here the matter is about spoken English. ठीक है? तो इसके लिए मैं आपको कुछ बहुत ही important sentences आज लिखाऊंगा, जिसे हम prepare करेंगे और याद भी कर सकते हैं और कोशिश करेंगे अपने conversation में हम इनका daily अधिक से अधिक use करें, so that we will be capable enough to speak English fluently. Okay? आइए मैं आपको कुछ ऐसे sentences दे रहा हूँ. भगवान आपका भला करे तो कहेंगे मे गॉड ब्लेस यू. सबसे ज्यादा बोले जाने वाला सेंटेंस मुझे खेद है, मुझे दुख है, आई एम सॉरी. ये ठीक है, दैट्स ऑल राइट. क्या चल रहा है? आपने सुना है ना, फॉग चल रहा है, इसका मतलब होता है क्या हो रहा है. इंग्लिश में कहते हैं व्हाट इज गोइंग ऑन, व्हाट्स गोइंग ऑन. नेक्स्ट है सब कुछ ठीक है, एवरीथिंग इज फाइन. मैं रास्ते में हूं, ड्राइव कर रहे हैं, कोई कॉल आती है तो हम उसे बताते हैं आई एम ऑन द वे. ठीक है? आप क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग. मजाक मत करो, स्टॉप किडिंग. मैं तो बस मजाक कर रहा था, आई एम जस्ट किडिंग. कृपया शांत रहो, प्लीज कीप क्वाइट. क्वाइट नहीं, क्वाइट. आपसे मिलकर खुशी हुई, प्लीज टू मीट यू. आपकी हिम्मत कैसे हुई है? तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? हाउ डेयर. क्या आप ये दोहरा सकते हैं? कुड यू प्लीज रिपीट दैट. नेक्स्ट है क्या आइडिया है? व्हाट एन आइडिया. नहीं, बिल्कुल नहीं. नो, नॉट एट ऑल. ये कुछ ज्यादा हो गया, दैट्स टू मच. कोई फर्क नहीं पड़ता, डजंट मैटर या इट डजंट मैटर. It does not matter. या does not matter. Okay? अपने काम से काम रखो. Mind your own business.
बोलने से पहले सोचो, थिंक बिफोर यू स्पीक। नेक्स्ट है, आपका दिन शुभ हो, आपका दिन मंगलमय हो, हैव अ नाइस डे, हैव अ वंडरफुल डे, हैव अ गुड डे। ठीक है, तो ये इंटरेस्टिंग है बहुत ही सेंटेंस, जिसका हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं। बड़ी ही शानदार कहानी है, दैट्स अ वंडरफुल स्टोरी। आपका प्रदर्शन लाजवाब था, योर परफॉर्मेंस वाज रॉकिंग। आपने शो में कमाल कर दिया, यू हैव रॉक्ड द शो। आप बेमिसाल लग रही हैं, यू आर लुकिंग ऑसम। ठीक है, तो फ्रेंड्स कैसे लगे आपको ये सेंटेंसेस? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इम्पोर्टेंट भी है हमारे डेली रूटीन कॉन्वर्सेशन में। सो प्लीज प्रैक्टिस ऑल दीज सेंटेंसेस इन योर लाइफ, यू विल हैव बेटर रिजल्ट एंड वेरी सून यू विल बी एबल टू स्पीक इन इंग्लिश। ओके, तो वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। संजीव गोस्वामी।